दुनिया तक पर टॉप 5 में देखी। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। भारतीय अधिकारियों ने तालिबानी नेताओं से बातचीत के लिए दोहा का गुपचुप दौरा किया है। कतर के एक शीर्ष अधिकारी ने ये जानकारी दी है। ये पहली बार है जब तालिबान के साथ वार्ता में शामिल किसी अधिकारी ने भारत और तालिबान की गोपनीय बातचीत की पुष्टि की है। कतर के आतंक निरोधी और संघर्ष समाधान में मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले विशेष दूत मुतलाक बिन मजीद अल कहतानी ने एक वर्चुअल इवेंट में बताया कि भारतीय अधिकारियों ने तालिबान से बातचीत के लिए खामोशी से दौरा किया है। नेपाल में मंगलवार को राजनीतिक संकट और गहरा हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने चौतरफा घिरे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्रिमंडल के 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द कर दी। अदालत ने इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया और संसद भंग होने के बाद उनके 2 कैबिनेट विस्तार को अवैध करार दिया। प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा और जस्टिस प्रकाश कुमार धुंगाना की खंडपीठ ने कहा कि सदन को भंग किए जाने के बाद कैबिनेट विस्तार असंवैधानिक है और इसलिए मंत्री अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को कहा कि पिछले साल दुनिया भर में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में 8,500 से ज्यादा बच्चों को सैनिकों के रूप में इस्तेमाल किया गया और लगभग 2700 दूसरे बच्चे मारे गए। बच्चों और आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की सालाना रिपोर्ट में बच्चों की हत्या, अपंगता और यौन शोषण, अपहरण या भर्ती स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाना शामिल है। रिपोर्ट ने वेरीफाई किया है कि 21 कॉन्फ्लिक्ट्स में 1,379 बच्चों के खिलाफ अपराध किए गए। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 2 रोमन कैथोलिक गिरजाघर जलकर खाक हो गए। कनाडा के राष्ट्रीय पुलिस बल ने ये जानकारी दी। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने बताया कि गश्त पर निकले अधिकारियों ने पेंटिकटन इंडियन बैंड रिजर्व के सेक्रेड हार्ट चर्च से आग की लपटें निकलती देखी। अधिकारियों के घटनास्थल तक पहुंचने तक पूरे गिरजाघर में आग फैल गई। इसके 2 घंटे से भी कम समय बाद ब्रिटिश कोलंबिया के ओलिवर में RCMP को सेंट जॉर्जी चर्च में आग लगने की जानकारी मिली। ये गिरजाघर ओएसुस इंडियन बैंड रिजर्व में मौजूद है। दुनिया में अब तक 18 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 38.97 लाख लोगों की मौत हो गई है जबकि 16.46 करोड़ लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1.13 करोड़ लोगों का इलाज चल रहा है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुएर्टे अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों और विवादों में रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को गाली तक दे दी थी और इस वजह से दोनों देशों में तनाव पैदा हो गया था। अब डुएर्टे ने अपने नागरिकों से कहा है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाओ या जेल जाओ। राष्ट्रपति डुएर्टे ने एक और विकल्प दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं तो वे देश छोड़कर भारत या अमेरिका चले जाएं। तो वहीं चीन ने कहा है कि वुहान लैब को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए।